गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एल्कीन के इस फिफ्थ वीडियो लेक्चर में हम एल्कीन की रिएक्शंस पर ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है या कार्बन कार्बन का जो तल है उसके ऊपर नीचे इस तरह से पाए जाते हैं, जो कि आपको आसमानी कलर में रेड कलर से दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने मार्कोनिफ रूल इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मार्कोनिफ नियम के अनुसार अभिकर्मक का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं अभिकर्मक को हमने HBr जो है वो कलर से दिखाया हुआ है, जो उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो H है जो कि रेड कलर से है, और अभिकर्मक का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो है Br जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग ऋण भाग किस पर जुड़ना चाहिए? अब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखिए, जो टर्मिनल वाला जो साइड वाला कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन है, और जबकि जो बीच वाला कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, एक प्रतिस्थापित समूह है। तो ऋण भाग किस पर जाएगा? Br कहाँ जाएगा? सेकेंड नंबर कार्बन पर, क्योंकि वहां पर एक एच उपस्थित है। तो जब Br जो है सेकेंड कार्बन पर जाता है तो कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा? सेकेंडरी। देख रहे हैं आप ए चित्र के अंदर कि जब H का योग हुआ CH2 के ऊपर तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ, जो कि ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन है। और फिर ये जो ब्रोमाइड है वो नेगेटिव पार्ट कार्बोनियम आयन पर जुड़कर योग हो जाता है। इसको हम एनर्जी डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर अभिक्रिया आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर अभिक्रिया एक पद में होती है या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो ऊर्जा आरेख डायग्राम होता है उसमें अभिकर्मक होता है, उत्पाद होता है, अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में कोई मध्यवर्ती बनता है तो अभिक्रिया दो या तीन पदों में संभव होती है। अभिकारक को स्टार्टिंग में आप ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने पर उसको एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जो आपको पिंक कलर से लिखी हुई है डेल्टा ई स्टार। जब वो उतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उस अवस्था में कौन सी स्टेट हो जाती है? संक्रमण अवस्था। उसके बाद ऊर्जा गिरती है, या तो संक्रमण अवस्था से उत्पाद प्राप्त होगा या मध्यवर्ती प्राप्त होगा। अगर सीधा ही उत्पाद मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि अभिक्रिया एक पद में हो रही है, और अगर किसी अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख में दो मध्यवर्ती बनते हैं तो अभिक्रिया तीन पदों में होती है। इस चित्र में आपको दिखाया हुआ है टू स्टेप एडिशन मैकेनिज्म, राइट में दिखाया हुआ है आपको। आप देख रहे हैं कि एल्कीन है और अभिकर्मक HX है ग्रीन कलर से, उसको कलर से शो किया हुआ है, उसका योग हो रहा है और उत्पाद आपको H और X, एक कार्बन पर H का योग हो गया, एक पर X का, और ये अभिक्रिया दो पदों में हो रही है। आपको ब्लू कलर से आप देख रहे हैं डेल्टा E1, सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है फर्स्ट स्टेप की सक्रियण ऊर्जा के बाद ऊर्जा गिरती है और मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती स्थाई होता है इसलिए ऊर्जा कम हो गई है, और फिर इस मध्यवर्ती से उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो वो सक्रिय ऊर्जा सेकंड स्टेप का जो सक्रिय ऊर्जा का मान है वो कम है, इसलिए फर्स्ट स्टेप रीडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। दो या दो से जब अधिक पद होते हैं तो उनमें अभिक्रिया की जो गति को निर्धारित करता है वो धीमा पद करता है, जिसकी सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। और अगर हम एल्कीन वाले कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह लगा देंगे, तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी क्योंकि उससे फिर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है अभिकर्मक का हैलोजन एसिड का वो होता है HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl एंड HF इज लीस्ट रिएक्टिव। यही जो है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है।
और जो एडिशन होता है वो पोलर मैकेनिज्म होता है। तो आप नीचे देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन दिखाई हुई है जहाँ पर कार्बन से दोनों समान समूह लगे हैं और किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा एच बी आर पोलराइज हो जाता है और एच पर धन आवेश और बी आर पर ऋण आवेश। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आप देख रहे हैं कि कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, दो मैथिल समूह। तो जब ये दो मैथिल समूह लग जाते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नेक्स्ट कार्बन पर होता है और जिस कार्बन पर मैथिल समूह लगे होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, जिस कार्बन पर मैथिल समूह या इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा होगा तो वो CH3 समूह उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और पाई के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका विस्थापन अब नेक्स्ट कार्बन पर हो जाएगा। जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे वहाँ नेचुरल सी बात है ऋण आवेश आ जाएगा और जिस कार्बन से विस्थापित हुए हैं उस पर धन आवेश। आप नीचे चित्र में देखिए टर्शियरी कार्बोनेट कैटायन आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि दो CH3 समूह लगे हैं इस कार्बन पर तो पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन पास वाले कार्बन पर हो गया जिससे उस पर क्या आ गया ऋण आवेश, और जिस कार्बन पर मैथिल समूह लगे हैं उस पर धन आवेश आ गया यानी कि कार्बोकैटायन बन गया और ऋण आवेश पर एच जुड़ जाएगा और अब बचेगा कार्बोकैटायन टर्शियरी जिस पर कि बी आर न्यूक्लियोफाइल का योग होकर एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है अगर दो समूह लगे होंगे CH3 तो उसकी क्रियाशीलता और बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बनने वाला मध्यवर्ती है कार्बोनियम आयन अभिक्रिया उसकी स्टेबिलिटी पर भी निर्भर करती है। तो ये आप देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, टर्शियरी कार्बोनियम इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड CH3। तो यहाँ आप नीचे और आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से दिखा हुआ है, नीचे देखें आप ब्लू कलर में आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब बात आती है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन जो पाई इलेक्ट्रॉन है किस कार्बन पर जाएंगे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, CH3 समूह लगा है तो CH3 समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन थर्ड कार्बन पर हो जाएगा और जिससे उस पर क्या आ जाएगा ऋण आवेश। और अब आप देख रहे हैं पाई कॉम्प्लेक्स बन गया है, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन HCl को दे रहा है, तो H को देगा और इस तरह से पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। आप बॉक्स में देख रहे हैं पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब दो पॉसिबिलिटी हैं कि H है अब ये कौन से कार्बन पर जुड़े, सेकेंड पे या थर्ड पे। तो अगर H जो है जो कि रेड कलर से आपको दिखाया गया, अगर थर्ड वाले कार्बन पर जुड़ता है जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, तो कौन सा कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी। और अगर वो सेकेंड वाले कार्बन पर जुड़ जाता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया ये दो पदों में होती है, पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, कार्बोकैटायन आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो अगर किसी अभिक्रिया के अंदर हमारे पास दोनों चॉइस हों तो कौन सा ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, जिससे कि द्वितीयक या तृतीयक कार्बोकैटायन बनता हो। तो इसलिए ऊपर वाला जहाँ लिखा है फेवर्ड कैटायन, जो कि आपको सेकेंडरी कार्बोनियम आयन प्राप्त हो रहा है, वो ज़्यादा स्थायी होगा और उस पर फिर अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्लोराइड का अटैक होगा, धन पे कार्बन पर अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पर, और इस तरह से मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग आपको उत्पाद प्राप्त होगा। जबकि अगर हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन से उत्पाद बनाते हैं तो उससे जो उत्पाद मिलेगा वो उसका स्थायित्व कम होगा, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन से प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए जो उत्पाद मिलेगा वो आपको ऊपर वाला मार्कोनिफ प्रोडक्ट मिलेगा। अब आता है इसी का विपरीत एंटी मार्कोनिफ रूल। अब क्या होता है कि अगर अभी आपको जैसे पढ़ाया कि
मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग जो उत्पाद मिलता है उसमें जो अभिकर्मक कारण भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इसके विपरीत अगर हम परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ROOR, अगर हम HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएं इसी प्रोपीन के ऊपर, तो हमने देखा कि जो मुख्य उत्पाद मिलता है वो मार्कोनिफ के विपरीत मिलता है, यानी कि 1-bromopropane मिलता है, जबकि मार्कोनिफ में हमें मिला था 2-bromopropane। तो इसका क्या रीजन है? परऑक्साइड की उपस्थिति में, ROR की उपस्थिति में जब वो HBr से अभिक्रिया करता है तो ROR जो है लाइट की उपस्थिति में, क्योंकि कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो वो ब्रेक होकर RO मुक्त मूलक बनाता है, RO मुक्त मूलक। और ये RO मुक्त मूलक HBr से अभिक्रिया करके ROH प्लस Br मुक्त मूलक बनाएगा। तो अभिक्रिया में हमें ये जो अभिक्रिया होगी वो मुक्त मूलक के द्वारा होगी, मार्कोनिफ नियम ध्रुवीय मैकेनिज्म के द्वारा हो रही थी, और ये जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक के द्वारा हो रही है। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया होकर Br मुक्त मूलक बनता है, और अब ये Br मुक्त मूलक अभिक्रिया करेगा एल्कीन से, और इससे दो तरह के मुक्त मूलक संभव है, प्राइमरी मुक्त मूलक और द्वितीयक मुक्त मूलक। अगर जो ये मुक्त मूलक है ये फर्स्ट वाले कार्बन पर, जो कि आपको एरो से दिखाया है, उस पर जुड़ता है, तो आपको द्वितीयक मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं चित्र में कि जो Br मुक्त मूलक है फर्स्ट कार्बन पर, CH2 कार्बन पर जुड़ा है, और आपको CH सेकेंडरी मुक्त मूलक मिला है। इसके विपरीत अगर Br का योग सेकेंडरी वाले कार्बन पर होता है, सेकेंड कार्बन पर होता है, तो CHBr आ जाएगा और मुक्त मूलक कौन सा मिलेगा? प्राइमरी। और अब हम जानते हैं कि सेकेंडरी मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए अब इस सेकेंडरी मुक्त मूलक पर HBr का H योग करके 1-bromopropane बनाएगा। तो क्रियाविधि बदल गई है, HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक के द्वारा होता है। इस प्रकार परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन की HBr से क्रिया करने पर ही होती है। यह प्रभाव HCl या HOI की परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन से क्रिया कराने पर नहीं होता, सिर्फ HBr पे ही परऑक्साइड इफेक्ट लागू होता है, क्योंकि HCl जो बंद है वहां पर 103 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है, HBr में 89, जो कि तो HCl बंद मजबूत है, अतः ये एल्कोक्सी बंद जो RO मुक्त मूलक बनेगा जब हम परऑक्साइड लेते हैं, परऑक्साइड क्या होते हैं? ROOR, तो वो लाइट की उपस्थिति में RO बन जाता है, परऑक्साइड मुक्त मूलक बन जाता है, और ये परऑक्साइड मुक्त मूलक HX से क्रिया करता है। चूंकि HBr की ऊर्जा कम है HBr बंद की, और लेकिन HCl बंद की जो ऊर्जा है 103 है, तो वो टूट नहीं पाता, अर्थात क्लोराइड मुक्त मूलक प्राप्त नहीं हो पाता। HI जो बंद है वो कमजोर है, उसमें 71 किलो कैलोरी ऊष्मा ही चाहिए होती है, लेकिन वो आसानी से टूटकर आयोडीन मूलक बना लेते हैं, और वो आपस में ही आयोडीन मुक्त मूलक संयुक्त होकर आयोडीन बना लेते हैं। इसलिए HI के साथ ऊर्जा कम होते हुए भी अभिक्रिया एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली नहीं होती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि HI के साथ एंटी मार्कोनिफ अभिक्रिया क्यों नहीं होती, क्योंकि HI जो बंद है वो टूट तो जाएगा, आपको आयोडाइड मुक्त मूलक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु आयोडाइड मुक्त मूलक इतना रिएक्टिव होता है कि दो आयोडाइड मुक्त मूलक क्रिया करके आयोडीन बना लेते हैं, और अभिक्रिया में आयोडाइड मुक्त मूलक उपस्थित नहीं रह पाता, और जब वो होगा ही नहीं तो अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ HBr अगर आपको एग्जाम में आता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिफ प्रोडक्ट बनाएंगे, और परऑक्साइड नहीं लिखा है ऊपर तो मार्कोनिफ प्रोडक्ट, मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग 2-bromopropane बनेगा, एंटी मार्कोनिफ में 1-bromopropane बनेगा। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मार्कोनिफ रूल। इसके अलावा कैटालिटिक हाइड्रोजन रिएक्शन होती है एल्कीन की, H2 का योग हो जाता है प्लैटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, पैलेडियम भी हम ले सकते हैं, निकिल भी ले सकते हैं,
और ये जो योग होता है वो सिन होता है, सिस एडिशन होता है, यानी कि ए की तरफ से एच के परमाणु के एच परमाणु जुड़ता है, H2 का जो मॉलिक्यूल है वो ए की तरफ से ए की तल से जुड़ता है।